जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हनुमान जी की शक्तियों के बारे में और हनुमान चालीसा के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और जब कभी भी आपको बताया जाता है कि हनुमान जी से यदि आप चाहते हैं पूर्ण फल की प्राप्ति, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन इसके साथ में यह भी बताया जाता है कि ये पाठ मंगलवार से प्रारंभ करें या शनिवार से प्रारंभ करें, या मंगलवार से शनिवार करें या शनिवार से मंगलवार करें। इस प्रकार की बातें आपने बहुत बार सुनी और देखी भी होंगी, परंतु आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि सोमवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा। आप सुनकर भौंचक्के रह जाएंगे। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो परंपरागत जिसने सुना वैसा ही बता दिया, लेकिन जब दोस्तों हम गहराई में जाते हैं और किसी भी चीज का शोध करते हैं तो उसका पूर्ण परिणाम हमें तब पता चलता है, तब उनकी जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना ही हमें उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा बल बुद्धि विद्या के देने वाले ही नहीं, यह सभी संकटों का निवारण है। शत्रु बाधा को रोकती है, किए कराए को रोकती है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन्न बाधा, पिशाच बाधा, डाकनी बाधा, शाकनी बाधा, मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग, दोस्तों जो भी हो सब को हनुमान चालीसा रोक देती है, बशर्ते कि आप इसे थोड़ा नियम पूर्वक और श्रद्धा और विश्वास के साथ। ऐसा यदि आपने किया तो आपको यह सब कुछ मिलेगा। पर अब हम आ जाते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव के बारे में भी आप जानते हैं कि भगवान शिव के आराध्य देव भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम के आराध्य देव भगवान भोलेनाथ। अब यह एक विचित्र महिमा है इन देवों की। यदि भगवान राम की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और भोलेनाथ की पूजा से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी की पूजा से भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। और इसी कारण मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपको अधिक से अधिक चाहिए और शीघ्र फल की प्राप्ति चाहिए तो सोमवार को यह हनुमान चालीसा पढ़ लेना। नहा धोकर के और अपने एक आसन बिछा करके पूर्व की तरफ मुख करके बैठें और सामने रखें एक शुद्ध देशी घी का दीपक, चला लें दोस्तों। अब दीपक और आपके बीच में आपने एक जल का लोटा रखना है, और जल का लोटा भी शुद्ध साफ करके और उसमें शुद्ध जल ही डालना है। दोस्तों, अब जो करेगा वो यह जल करेगा, लेकिन कैसे करेगा? दोस्तों, अब आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद दोस्तों आपने इस जल का जो लोटा है इसे उठा करके और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो इस जल को यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाते हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम इतने प्रसन्न होंगे, हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, क्योंकि इन तीनों 9 देवों का जो परस्पर प्रेम है वह किसी भी देव में आपस में नहीं मिलेगा। और यदि इन 3 देवों की यह संयुक्त पूजा होती है
तो समझ लेना दोस्तों, यहीं से आपको जो भी चाहिए वही मिलेगा। दोस्तों यह जो जल है, यह अपने अंदर सब जो भी शक्तियां हैं उसको समाहित कर लेता है। जैसे सामने दीपक जलेगा और उसमें से हमारा मंत्र जो दीपक तक जाएगा, तो दीपक से मैंने बताया कि 100 गुना असर आपके मंत्र का होता है। तो इसी प्रकार से हनुमान चालीसा का भी ये जो असर है, ये सीधा जल में समाहित हो जाता है। और जैसे भगवान राम का नाम लिखकर हम बिल्व पत्र को चढ़ाते हैं, ओम लिख करके बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से अब यह जल यदि चढ़ा दिया दोस्तों, तो समझ लेना सारे संकट आज से ही कटने प्रारंभ हो जाएंगे। पर दोस्तों यह केवल एक सोमवार की बात नहीं है, आपने ऐसा 7 सोमवार करना पड़ेगा। एक सोमवार फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे 7 सोमवार यदि आपने 7 हनुमान चालीसा से इस जल को सिद्ध करके यदि आपने चढ़ा दिया भोलेनाथ के शिवलिंग पर, तो समझ लेना आपके पास अब कभी मुड़कर भी भूलकर भी संकट नहीं आएगा, शत्रु भी नहीं आएंगे, बल भी मिलेगा आपको, बुद्धि भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगी, और जितने भय हैं जो दिखाई नहीं देते, जिन्हें बाहर की बाधा बोलते हैं, वो कभी नहीं आएंगी दोस्तों। कर लेना दोस्तों, बड़ा उत्तम प्रयोग है आपके लिए। सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए 6 मत दीजिए।